इंदौर में एक मिठाई दुकान पर राहुल गांधी और कमलनाथ को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र के मिलने के बाद शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इस मामले में एक संदिग्ध को पकड़ लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य की चिंता है। दरअसल राहुल गांधी और कमलनाथ को बम से उड़ाने वाले धमकी भरे पत्र पर राजनीतिक बयान आना शुरू हो गए हैं। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, भारत जोड़ो को लेकर निकले हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस छोड़ो हो रहा है। उनकी सुरक्षा का विषय है, उनको राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य की चिंता है और उनकी पूरी चिंता करेंगे। ये सुरक्षा विभाग के लोग हैं, आप उनसे पूछिए। और इंदौर का भी सवाल है इसमें, देखना तो आपको लगे नहीं। इंदौर की जनता का भी सवाल है। नहीं, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और भारत जोड़ो के लिए निकले हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कांग्रेस छोड़ो हो रहा है। लेकिन उनकी सुरक्षा अपने आप में विषय है, उनको पूरी सुरक्षा राजनीतिक दृष्टि से मिलनी चाहिए। ऐसा कोई विषय है तो जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस विभाग, एजेंसियां जरूर इसका संज्ञान लेंगी। लेकिन राज्य सरकार का कहा है कि राज्य सरकार की सुरक्षा बनती है कि इस तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कमलनाथ जी का कहना है। नहीं, किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य की चिंता और उसकी पूरी चिंता करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश आएगी। उससे पहले उन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है।